जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, लेकिन उसके पहले ही फिल्म को लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है और फिल्म के खिलाफ FIR भी दाखिल की गई है। हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते का ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि दर्शकों को बेहद पसंद भी आया, लेकिन अब बीजेपी के एक नेता ने फिल्म पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी नेता सईद अली जाफरी ने फिल्म के खिलाफ लीगल कंप्लेंट फाइल की है। उनका आरोप है कि फिल्म के ट्रेलर में एक सीन में मुहर्रम का अपमान किया है, जहां पर जॉन मुहर्रम में मर्डर कर उसे मातम में बदल रहे हैं और जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा है। साथ ही बीजेपी नेता ने सेंसर बोर्ड से दरख्वास्त की है कि सीन हटा दिए जाए, नहीं तो धार्मिक भावना बुरी तरह आहत हो सकती है। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते में मनोज वाजपेयी का भी मुख्य किरदार है। साथ ही फिल्म में एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा इस फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म की कहानी करप्शन से लड़ते आदमी की है। ये फिल्म इस साल 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।